खबर रायपुर से है, जहां इन दिनों एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिल रहा है। एक तरफ नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी बीजेपी विधायक ब्रह्मानंद नेताम घर घर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर झारखंड पुलिस आरोपी बीजेपी विधायक को घर घर तलाश कर रही है, जिसको लेकर बीजेपी नेता ब्रिजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जैसे जैसे हमारे पार्टी प्रत्याशी पर शिकंजा कसता जा रहा है, वैसे वैसे मतदाता बीजेपी के पक्ष में आते जा रहे हैं। बीजेपी पर पलटवार करते हुए मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि बीजेपी को यह तय करना चाहिए कि उनकी पार्टी के प्रत्याशी कैसे होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के केंद्रीय इकाई को भी इस ओर ध्यान देते हुए प्रत्याशी को लेकर विचार करना चाहिए। वहीं उन्होंने मामले में चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की है। तो बीजेपी प्रत्याशी को लेकर लगातार अब यहां पर सियासत गर्म होती जा रही है, जहां एक तरफ ब्रह्मानंद नेताम चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो घर घर पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो झारखंड उन्हें घर घर पहुंचकर तलाश कर रही है और नोटिस जो हैं वो चिपका दिए गए हैं, और साथ ही थाने में आने को लेकर उनसे यहाँ पर नोटिस दिया गया है, उनको नोटिस दिया गया। अब इस पूरे मामले पर लगातार बीजेपी कांग्रेस के ऊपर हमलावर है, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर हमलावर है, बीजेपी केंद्रीय इकाई को भी ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये रविंद्र चौबे की तरफ से कहा गया है। मामले पर मंत्री रविंद्र चौबे ने दरअसल एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी को ये देखना चाहिए कि उनको पार्टी में किस प्रत्याशी को मैदान में उतारना चाहिए, और ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारना चाहिए जो ठीक हो और जिनकी छवि अच्छी हो। बघेल जी के षड्यंत्र हावी हो रहे हैं, वैसे वैसे जनता का मूड बदलता जा रहा है और मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता जा रहा है। भूपेश बघेल जी जो षड्यंत्र कर रहे हैं, वो सिर्फ ब्रह्मानंद नेताम बीजेपी प्रत्याशी का नहीं, ये छत्तीसगढ़ के सभी आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं। और वो जो झारखंड की सरकार है, जो भूपेश बघेल जी ने वहाँ के विधायकों का आवभगत की थी, उनका मान सम्मान किया था, और उसका एहसान जो है वो सीधी सोरेन चुका रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना था कि उनका प्रत्याशी का करैक्टर के बारे में, प्रकरण के बारे में उनकी जानकारी पूर्व में थी या नहीं थी। अपने प्रत्याशियों के साथ उनका खड़ा होना स्वाभाविक है, लेकिन जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है और लगातार झारखंड की पुलिस भी यहाँ आ चुकी है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि समूची पार्टी को, ना केवल राज्य की उनकी इकाई को, उनकी राष्ट्रीय इकाई को भी इस पर विचार और गौर करना चाहिए। हम तो ये भी चाहेंगे कि चुनाव आयोग को भी इसमें तत्काल संज्ञान में लेकर के, मैं ऐसा समझता हूँ कि जो वास्तविक कार्रवाई है वो करना चाहिए।